ग्लोबल एटीआई के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यह क्लास 14 है। इससे पहले 13 क्लासेस हो चुके हैं जिसमें हम लोगों ने टोटल 195 क्वेश्चन कर लिया है। अब उससे आगे के क्वेश्चन आज की क्लास में करने वाले हैं। आज की क्लास में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो अब से पहले कभी भी यूट्यूब पे जिनका सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। कोई भी चाहे आप किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए, उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग बहुत ईजिली वे में बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने भी वाले हैं, ठीक है। जैसे देखिए आज का पहला ही जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का अभी तक यूट्यूब पे आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा, केवल और केवल लोग करते क्या है, ऑप्शन टिक करा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है कोई भी नहीं बताता है आपको, लेकिन आप सनी सर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और इससे पहले भी जो भी क्वेश्चन किए हम लोग सबका सॉल्यूशन प्रॉपर हमने दिया है आपको। तो यदि आपको मेहनत हमारी अच्छी लग रही हो तो थोड़ा वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा आप लोग, ठीक है, और प्यारा सा एक कमेंट भी करते जाइएगा कि हाँ सर क्लासेस अच्छी लग रही है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले कैलकुलेट द फेज डिस्प्लेसमेंट, आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, फेज डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्लॉट फॉर 3 फेज 36 स्लॉट्स 12 क्वाइल और 4 पोल। पोल की संख्या कितनी है, 4, ठीक। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए 2-3 फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को जरूर नोट करिए, जरूर नोट डाउन करिए, तभी जाके ये फॉर्मूले आप ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। पहला फॉर्मूला क्या है, फेज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, फेज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है 120 डिग्री बटा में स्लॉट डिस्टेंस, या फिर इसी को हम लोग स्लॉट पिच भी कहते हैं इसी को, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला नोट करिए, इस फॉर्मूले को नोट करिए पहले। दूसरा फॉर्मूला नोट करिए, सर ये स्लॉट पिच क्या बोला है सर, 120 तो ठीक है सर, आपने 3 फेज बताया है, 3 फेज वाइंडिंग, तो 3 फेज वाइंडिंग में एक फेज 120 डिग्री को डिनोट करता है, तो आपने 120 लिख लिया, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन स्लॉट डिस्टेंस क्या है या स्लॉट पिच क्या है ये बात नहीं समझ पा रहे, मैं बताता हूँ आपको स्लॉट पिच क्या है। यहाँ पे लिखिए स्लॉट पिच इज इक्वल टू होता है आपका P by 2 multiplied by यांत्रिक कोण, ठीक है। ये जो स्लॉट पिच है ना, स्लॉट पिच को आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल डिग्री, ठीक है, स्लॉट पिच को ये आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल डिग्री, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे दो एडजेसेंट स्लॉट्स जिसमें विद्युत कोण 180 बन रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लॉट पिच कहते हैं, ठीक है। एडजेसेंट दो स्लॉट्स की बात हो रही है, एडजेसेंट स्लॉट्स की बात हो रही है, वहां पे हमारा जो बनता है वो चीज बनता है स्लॉट डिस्टेंस, ठीक है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग स्लॉट डिस्टेंस कहते हैं, ठीक। तो ये दोनों फॉर्मूला पहले नोट करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूं, ठीक है। अब देखिए एक और टर्म आया है यहाँ पे, यांत्रिक कोण आया है, तो यांत्रिक कोण का भी एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए यहाँ पे, यांत्रिक कोण इज इक्वल टू होता है 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई, 2 पाई मतलब लिखो, ऐसे लिख लो, 2 × 180 लिख लो, ठीक है, 180 डिवाइड बाई स्लॉट्स की संख्या, ठीक है। बस इतनी बातें नोट करिए, देखिए ये कैसे आसानी से इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कभी भी जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिला है, कहीं भी नहीं मिला है, उसको आप एकदम इजी तरीके से करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला चीज है कि आप इस डाटा को क्रॉस कर देंगे, ये जो दिया हुआ है ना 12 क्वाइल, इसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, ये जो 12 क्वाइल दिया है इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये केवल आपको भ्रमित करने के लिए दिया है, ठीक है। जो जो डाटा हमें चाहिए वो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ एक बार, आप उतने चीज को नोट करिए, क्या क्या चाहिए आपको, हमें चाहिए सर केवल और केवल पोल्स की संख्या, और क्या चाहिए सर, हमें चाहिए स्लॉट्स की संख्या एस, हमने इतना डाटा नोट कर लिया, ठीक है सर, बस इतना ही चाहिए सर, हाँ इतना ही चाहिए और ज्यादा कुछ इससे नहीं चाहिए, ठीक है। चलो यदि इतना ही चाहिए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है सर। अब चलिए इससे आप निकाल के दिखाइए इसका आंसर, चलिए मैं निकालता हूँ, ये यांत्रिक कोण आप लोगों ने लिख लिया होगा, यांत्रिक कोण आपने लिख लिया, चलिए मैं अब आगे इसका सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है, मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ। देखो यांत्रिक कोण ये है ना, मैं यहाँ पे इसका जो जो डाटा चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए वो डाटा मैं लिख रहा हूँ। पी की संख्या कितनी दी हुई भाई, 4,
हमने चार लिखा यहाँ पे, फॉर्मूला में दो है, हमने ये दो ऐसे एज इट इज उतार दिए, ठीक है। यांत्रिक कोण, यांत्रिक कोण का फॉर्मूला क्या है, दो, हमने यहाँ पे लिखा दो, 180 फॉर्मूले में ये हमारे 180 हमने फॉर्मूले में लिख लिया। स्लॉट्स की संख्या कितना दिया हुआ, स्लॉट की संख्या दिया हुआ 36, तो हमने स्लॉट की संख्या लिख लिया यहाँ पे 36। कितनी बात आप समझ गए, कितनी बात आप समझ गए, तो चलिए इतनी बात यदि समझ गया तो इसको काटिए, दो से दो गया, फिर ये गया आपका चार से नौ बार, और नौ से ये कितनी बार कट जाएगा भाई, ये चला जाएगा आपका 20 बार, तो इसका मतलब हो गया ये 20 अंश, ठीक है। तो स्लॉट पिच कितना आ गया हमारा 20 डिग्री आ गया हमारा स्लॉट पिच, ठीक है। तो फेज डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, फेज डिस्प्लेसमेंट पूरा लिख लो, ये फेज डिस्प्लेसमेंट आप देख लीजिए कितना आ जाएगा, मैं यहां से इसको इधर कर देता हूं, 120 डिवाइड बाय स्लॉट डिस्टेंस चाहिए था ना, जो कितना आया 20 डिग्री आया, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे 20 डिग्री, जो कि आ गया हमारा कितना 6 स्लॉट, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, एकदम राइट आंसर है सी, ठीक है। कुछ लोग इसका आंसर 8 भी बताते हैं, लेकिन रीजन नहीं बताते हैं, भाई 8 नहीं होगा, देखो हमने सॉल्व किया पूरा, कहीं पे भी कोई मिस्टेक है तो बता दो, पूरा सॉल्व किया है एग्जैक्ट, तब जाके आंसर 6 आया, जो कि बिल्कुल सही, ठीक है। चल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, थोड़ा सा टाइम लगा होगा लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा था जो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोला है आपसे कि कॉइल पोल कला संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट्स व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए बस आपको करना इतना है, इतना ही जानना है कि जहां पे भी क्वाइल पर पोल पर फेज की बात करेगा, सॉरी क्वाइल पर पोल की जहां पे भी बात करेगा, तो वो होगा हमारा सिंगल फेज वाइंडिंग, ठीक है, सिंगल फेज मोटर के लिए वाइंडिंग होगा। जहां पे भी बात करेगा क्वाइल पर पोल पर फेज, तो वो हमारी थ्री फेज की वाइंडिंग होगी, ठीक है। कितने की वाइंडिंग होगी, थ्री फेज की, क्योंकि पर फेज पर कर रहा है ना भाई, यदि फेज नहीं रहता तो ये क्या मानते हैं हम लोग मानते हैं कि हमारी सिंगल फेज के लिए, क्योंकि सिंगल फेज में केवल एक ही फेज होता है, और थ्री फेज में तीन तरह के फेज होते हैं आर वाई भी, तो वहां पर फेज लगाना जरूरी हो जाता है। और जो हमारी थ्री फेज की इंडक्शन मोटर होती है, इसमें हम लोग कौन सी वाइंडिंग यूज करते हैं, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज होती है। तो ये यहाँ पे सी एकदम राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है, यहाँ पे वाइंडिंग का जो चित्रण है ये कौन सा टेस्ट किया जाता है। देखो एक बार जब हमारी वाइंडिंग पूरी तरह से हो जाती है तो उसमें टोटल 6 तरीके के टेस्ट किए जाते हैं, टोटल 6 तरीके के, जिसमें से 4 नाम तो आपको यहीं पे दिख रहा होगा, पोलारिटी टेस्ट, रेजिस्टेंस टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट, फिर एक होता है हमारा इंटरनल ग्राउलर टेस्ट, एक्सटर्नल ग्राउलर टेस्ट, ठीक है। टोटल 6 तरीके के टेस्ट होते हैं, जिसमें से यहाँ पे आपके सामने रेजिस्टेंस टेस्ट दिया है। इसको कैसे किया जाता है, तो इसमें जो हमारा एक लाइन वायर होता है उसको तो हम लोग एक ही जगह स्थिर कर देते हैं, ठीक है, और इसमें एक बल्ब लगा देते हैं, इसमें एक यहाँ पे क्या लगा देते हैं, बल्ब लगा देते हैं, लाइन वाले वायर के साथ एक बल्ब लगा के और इसको एक जगह फिक्स कर देते हैं। जो हमारा न्यूट्रल वाला वायर है उसको हम लोग फंसाते रहते हैं, देखो पहले एक क्वाइल के साथ लगाए, फिर दूसरी क्वाइल के साथ लगाए, तो दोनों क्वाइल का हमारा रेजिस्टेंस पता चलेगा, फिर तीसरी क्वाइल के पास जब लगाएंगे तो फिर तीनों क्वाइल का रेजिस्टेंस पता चलेगा, फिर जब चौथी क्वाइल के पास लगाएंगे तो चारों क्वाइल का रेजिस्टेंस पता चलेगा। इस तरीके से सभी क्वाइल्स का रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है इस विधि के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस टेस्ट हो गया। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को तीन फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के साथ के माध्यम से शामिल क्यों किया जाता है। देखो जहां पे भी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करेगा तो वहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात जरूर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो हमारे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, इसकी खासियत ये होती है कि ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क देती है। स्टार्टिंग टॉर्क कैसे देती है भाई, हाई उच्च स्टार्टिंग टॉर्क देती है। और एक दूसरा इसका विशेषता क्या होता है कि इस मशीन को हम लोग थोड़ा सा वेरिएबल स्पीड पे चला सकते हैं इस बाहरी प्रतिरोध के द्वारा। ये जो बाहरी प्रतिरोध लिखा है ना, ये डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाहरी प्रतिरोध, इस प्रतिरोध के द्वारा हम लोग रोटर के रेजिस्टेंस को, स्लिप रिंग के रोटर के रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा लेते हैं, जिससे हमारा टॉर्क भी
बढ़ घट जाता है या टार्क भी कंट्रोल होता है, ठीक है। टू ऑप्शन देखिए, टू गेट हाई रनिंग टार्क, नहीं सर, हाई स्टार्टिंग टार्क, टू गेट हाई स्टार्टिंग टार्क, जी हाँ बी ऑप्शन में हमको दिख रहा है टू गेट हाई स्टार्टिंग टार्क, जो कि एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये रनिंग टार्क देख के हमें भ्रमित करना चाहता है, जो हम बिल्कुल होंगे नहीं। यदि स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है, ठीक है, तो मोटर पर प्रभाव क्या होगा। देखो, जब हमारा रोटर का टर्मिनल स्टार्टिंग के समय ओपन होगा, उस समय हमारी वाइंडिंग, उस समय हमारी जो मोटर होगी वो स्टार्ट ही नहीं होगी। लेकिन यदि आपका मोटर चल रहा है, आपका मोटर चल रहा है, उस समय हमारा रोटर रेजिस्टेंस या फिर रोटर का सर्किट ओपन होता है, तो हमारी मोटर कुछ देर तक चलेगी, इसके बाद बंद हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद बंद होगी। लेकिन अभी हमारा कौन सा समय है, स्टार्टिंग का ही समय है। यहाँ पे बात क्या है, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग वाला ही पॉइंट है, तो इस समय हमारी मोटर चलेगी ही नहीं, तो ये हमारा एकदम ए राइट आंसर हो जाएगा, विल नॉट रन, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो तीन कला प्रेरण मोटर क्या होगा, ठीक है। एक कला आपका क्या हो रहा है, विफल हो जा रहा है, मतलब कि एक फेज आपका विफल हो जा रहा है या एक फेज में फॉल्ट आ जा रही है, मशीन के एक फेज में फॉल्ट आ जा रही है, तो जो हमारी मशीन होगी उसमें क्या इफेक्ट आएगा या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जब हमारी मशीन का कोई भी एक फेज, जो आपका तीन फेज होता है ना भाई, आर वाई बी, ये तीन फेज होते हैं, तो इन तीनों में से कोई एक फेज क्या हो गया, खराब हो गया, कोई एक फेज हमारा खराब हो गया, तो अब जो हमारी मोटर होगी वो कम स्पीड से घूमेगी। और यदि आप मोटर को रोक नहीं रहे हैं कुछ जल्दी ही, यदि आप नहीं रोक रहे हैं कुछ देर तक ऐसे चला रहे हैं, तो आपकी मोटर जल भी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, मोटर रन नॉर्मली, नॉर्मली बिल्कुल गलत हो जाएगा, मोटर स्टॉप इंस्टेंटेनियसली, और मोटर रन विथ इरेगुलर स्पीड, नहीं, ये सी ऑप्शन में दिख रहा है, मोटर रन स्लोली फाइनली इट बर्न, ये धीरे धीरे रन करेगी, फाइनली क्या हो जाएगी, फाइनली ये जल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि लोड के साथ चलने के दौरान एकल कला कट ऑफ होने पर तीन कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो पिछला वाला ही क्वेश्चन हो गया, पिछले वाले क्वेश्चन को बस दूसरे तरीके से बोल दिया, थोड़ा सा यहाँ पे एक अलग वर्ड यूज कर लिया, कट ऑफ, जिससे हम लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं होंगे। यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे कि मोटर की स्पीड पहले तो कम होगी और फाइनली हमारी मोटर जल जाएगी। ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिख रहा है क्या, ऐसा ऑप्शन हमें, जी सर दिख रहा है, हमें दिख रहा है इसमें डी में, डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो एकदम ये राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है आपसे कि एकल कलाबद्ध प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष है। अब ये प्रिवेंटर क्या बोला है सर, प्रिवेंटर तो हम जानते ही नहीं, प्रिवेंटर क्या होता है। तो देखो, प्रिवेंटर होता है ये हर एक फेज को, जो आर वाई बी तीन फेज होते हैं आपके मशीन में ना, तीनों फेज को ये सुरक्षित करने का, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है आपका प्रिवेंटर, ठीक है। अब प्रिवेंटर कैसे काम करता है या प्रिवेंटर के क्या लक्षण है और इसके क्या क्या कारण है, ये चीज मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, जो आपको यहाँ पे मैं लेके आया हूँ, इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा हाई लेवल पे करिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके साथ, आपके पास ये चीज हमेशा के लिए रहे। देखो, सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है, यही आपके क्वेश्चन में पूछा भी है, इसका कारण क्या क्या हो सकता है, सप्लाई का ना होना, सप्लाई वोल्टेज में कमी होना, ठीक है, लाइन वोल्टेज में असंतुलन या फेज अनुक्रम का उचित न होना, फेज अनुक्रम का उचित न होना ये भी कारण हो सकता है, या सिंगल फेज या कंट्रोल सर्किट में वोल्टेज का न होना, ठीक है, ये इतने कारण हो सकते हैं यदि हमारा प्रिवेंटर, प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है तब, ठीक है। तो ये कारण हो सकते हैं और जिसका निवारण भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग को बस कारण ही देखना है। कारण हमारा मिल गया क्या, इम्प्रॉपर फेज सिक्वेंस, फेज सिक्वेंस हमारा सही नहीं है, तभी हमारा जो स्टार्टर है वो प्रिवेंटर के साथ स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए एकदम राइट आंसर बन जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि लोड होने पर एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है। कम गति पर चलने में दोष
क्या है, सॉरी सॉरी बच्चों, देखिए क्या बोला है भाई कि व्हाट इज द डिफेक्ट इन एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर रन एट लो स्पीड। एसी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है और वो क्या हो लो स्पीड पे चल रही है, कब, जब ये लोडेड है, ठीक है, जब ये लोडेड है। यदि हमारी मोटर लोडेड है और कम स्पीड पे चल रही है तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण ये हो सकता है कि जो हमारी मोटर है, मोटर के सिंगल मोटर का कोई एक फेज खराब हो गया हो, ये भी कारण हो सकता है, या फिर एक और कारण हो सकता है कि मोटर का जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो कहीं ना कहीं शॉर्टेड हो गया हो, मोटर का जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो कहीं ना कहीं क्या हो गया हो, शॉर्टेड हो गया। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक रीजन आपको ऑप्शन में देखने को जरूर मिलेगा। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, रॉन्ग मोटर कनेक्शन, नहीं सर, रॉन्ग स्टार्टर कनेक्शन, बिल्कुल नहीं सर, ओपन सर्किट इन रोटर वाइंडिंग, नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, पार्शियली स्टार्टेड स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया होता कि मोटर के कोई एक फेज खराब हो गया है, मोटर का कोई एक फेज खराब हो गया या फॉल्ट इन एनी वन फेज, तो वो भी ऑप्शन आपका एकदम राइट होता, ठीक है। तो यहाँ पे डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार, थर्मल अधिभार की बात कर रहा है यार। देखो थर्मल अधिभार, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमेशा के लिए मतलब इसकी गांठ बना लीजिए या एकदम रट लीजिए, जहां पे भी आपको थर्मल की बात करेगा, थर्मल रिले की जहां पे भी बात करेगा, आंख बंद करके आप आंसर टिक करेगा ओवरलोड करंट, ओवर करंट या फिर ओवरलोड करंट, ठीक है। कहीं पे ऑप्शन में दिख रहा है करंट, यस सर, ओवर करंट या ओवरलोड करंट जहां पे भी दिखेगा तुरंत आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। जब भी थर्मल रिले की बात करें वहां पे आप ओवरलोड करंट को टिक करेंगे, ये बात एकदम गांठ बांध दीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई जब तक हाई करंट नहीं होगा, जब तक हाई करंट नहीं होगा तब तक हमारा हाई हीट जनरेट नहीं होगा, और हाई हीट जनरेट नहीं होगा तो हमारा थर्मल रिले काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए थर्मल रिले की बात जब भी करता है तो वहां पे हमारा आंसर एकदम ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोड करंट आसानी से हो जाता है, वोल्टेज नहीं करंट, याद रखना करंट। चलो देखते हैं, यदि थ्री कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है, रोटर का क्या होता है। देखिए जनरली ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, जनरली ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पॉसिबल नहीं है, रोटर आपका इंडक्शन मोटर की स्पीड से नहीं घूमता है। इंडक्शन मोटर में जो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र है, वही केवल स्टेटर वही केवल सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है, रोटर हमेशा उससे पीछे ही रहता है, तभी जाके हमारी मोटर प्रॉपर काम करती है। बाय द वे यदि हमारा मोटर का रोटर सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लगे तो क्या होगा, ये तभी हो सकता है जब हमारा रोटर का बार, रोटर के ऊपर जो बार लगा है वो खराब हो जाए, ठीक है, रोटर के ऊपर जो बार लगे हैं वो खराब हो जाए, तब जाके हमारी जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूम सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव है, इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव है। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि जब हमारी मोटर स्टार्टिंग कंडीशन में हो, जब स्टार्ट हो रही है मोटर, उस समय यदि इसका रोटर सर्किट ओपन है तो हमारी मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी, चलेगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब कि हमारी मोटर चल रही है और इस समय हमारा रोटर यदि ओपन होता है तो मोटर हमारी कैसे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, ठीक है। मोटर कैसे चलेगी भाई, धीरे धीरे चलेगी, तो मोटर रन्स विद वेरी लो स्पीड, यहाँ पे एकदम सही आंसर हो जाएगा, मोटर रन्स विद वेरी लो स्पीड, ठीक। ये दो कंडीशन बन रहा था, दोनों कंडीशन हमने आपको आपके साथ डिस्कस कर लिया, दोनों कंडीशन को एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है, फ्यूज आपका लगातार उड़ रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो भाई हम इतना जानते हैं, एक दो तीन पॉइंट यहाँ पे नोट करिए, आप दो तीन पॉइंट नोट करें। पहला पॉइंट कि फ्यूज परिपथ के साथ हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज नोट करिए यहाँ पे कि फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है, फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है, ठीक है, एम्पियर में हो
होती है और फ्यूज हमेशा लाइन के लाइन वाले कंडक्टर के साथ जोड़ता है। ठीक है, अब जहां पे भी ओवर करेंट होगी, जहां पे भी करेंट का मान बढ़ेगा तो तुरंत हमारा फ्यूज उड़ जाएगा या तुरंत हमारा फ्यूज खराब हो जाएगा या जल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंडक्टिंग वायर लगे हैं उसका गलनांक कम होता है, उसका गलनांक कम होता है, इसलिए वो जल्दी से हमारा फ्यूज खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसमें करंट अधिक बहेगी, जिसमें करंट अधिक बहने की संभावना हो सकती है? क्या अनुचित अर्थिंग में करंट अधिक बहेगी? नहीं सर। मोटर की ओवरलोडिंग में बढ़ेगी? नहीं सर। यहाँ पे हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है, पुअर इंसुलेशन इन वाइंडिंग। वाइंडिंग में यदि पुअर इंसुलेशन है, वाइंडिंग में यदि इंसुलेशन प्रॉपर नहीं किया गया तो वहां पे करंट ज्यादा हो जाएगी, सर्कुलेटिंग करंट का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और हमारा फ्यूज बार बार खराब होता रहेगा। ठीक है, तो फ्यूज बार बार खराब हो रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे वाइंडिंग का जो इंसुलेशन किया गया है ऊपर, वो इंसुलेशन खराब हो गया, उसको आप सही करिए, नहीं तो फिर वाइंडिंग ही पूरा चेंज करिए, इसके बाद मोटर को चलाइए, तब आपकी मोटर सही से चलेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन बन सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, त्रिकला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाए? शुरू होने के दौरान ही विफल हो रहा है, शुरू होने के दौरान ही यदि विफल हो रहा है तो उसका कारण हमने आपको बताया था कि शुरू होने के दौरान ही यदि हमारा विफल हो रहा है मोटर, तो उसमें मोटर हमारी चलेगी ही नहीं, तुरंत हमारी मोटर बंद हो जाएगी। लेकिन यही हमारी मोटर यदि चल रही है, तब यदि हमारा रोटर का सर्किट ओपन हो रहा है तो उस समय मोटर हमारी बहुत कम स्पीड से, मतलब धीरे 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 मोटर चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, मोटर रन्स एंड स्टॉप इमीडिएटली, तुरंत हमारी मोटर बंद भी हो जाएगी। चलो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, थ्री फेज स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण। देखो यार, अभी हमने कुछ देर पहले आपको प्रिवेंटर बताया था, है ना, प्रिवेंटर हमने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था, कहाँ गया प्रिवेंटर? हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने दो कारण लिया था, उस टाइम पे केवल एक ही बताया, दूसरा आपको तो बताया नहीं। देखो, सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर का बार बार ट्रिप होना, सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ स्टार्टर का बार बार ट्रिप, जैसे आपने सिंगल फेज प्रिवेंटर लगाया है अपने स्टार्टर में और आप अपनी मोटर को स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन बार 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 आपका स्टार्टर ट्रिप कर जा रहा है, ट्रिप कर जा रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि लाइन वोल्टेज में असमान उतार चढ़ाव, मतलब कि आपका वोल्टेज ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा तो भी आपका स्टार्टर बार बार ट्रिप कर जाएगा, या फिर गलत सेटिंग हो, गलत सेटिंग या असंतुलित सेटिंग हो जाती है। ये सेटिंग कहाँ पे की जाती है? ये सेटिंग की जाती है OLR में। OLR क्या है सर? ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले। ठीक है, ओवरलोड रिले में यदि गलत सेटिंग हो गई है से ये आपके प्रिवेंटर की, तो भी हमारी जो स्टार्टर है वो स्टार्टर बार बार ट्रिप कर जाएगी, मोटर को स्टार्ट ही नहीं होने देगी। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला है कि क्यों बार बार ट्रिप कर रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है इनकरेक्ट फ्यूज सेटिंग, फ्यूज सेटिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, अनबैलेंस लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज से मतलब नहीं है, अनबैलेंस यदि OLR सेटिंग दिया रहता तब बात सही था, या फ्लक्चुएशन किया दिया रहता यहाँ पे तब बात सही था। ठीक है, इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ OLR, यस ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, आपके OLR मतलब कि ओवरलोड रिले में कहीं ना कहीं सेटिंग गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो ये जो भी हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं, ये क्वेश्चन यदि आपको अच्छा लग रहे हैं, इनका सलूशन अच्छा लग रहा है आपको, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप थोड़ा वीडियो को साथ में लाइक जरूर करते जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।